अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और भाई, यहाँ तो कराची में बहुत ही अच्छा सा मौसम हुआ हुआ है, बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और आपको पता है कि कराची में तो बहुत कम ही ठंड पड़ती है, तो इतने अच्छे से मौसम में हमने सोचा कि मज़ेदार सी स्पैगेटी बनाते हैं और स्पैगेटी को इंजॉय करते हैं गर्मा गर्म। तो आइए आपको भी मैं बताती हूँ कि हमने अपनी स्पैगेटी को कैसे बनाया। तो इसके लिए मैंने लिया था बेक पार्लर का स्पेगेटी का पैकेट, जिसमें के मिसाला भी साथ था। तो सबसे पहले मैंने खुले पानी में स्पेगेटी को उबाल लिया, और उबालने के बाद मैंने इसमें जो है डाल दिया थोड़ा सा ऑयल, ताकि ये अलग अलग रहे, चिपके नहीं। स्पेगेटी को उबालने के बाद ज़रूर ही आप इसमें हल्का हल्का सा ऑयल लगाएं, इस तरह से ये देखें, ये फिर अलग अलग रहती है और चिपकती नहीं है। और फिर जब हम इसको मसाले में शामिल करते हैं तो अच्छी सी बनती है। अच्छा, स्पेगेटी के लिए मैंने ली थोड़ी सी चिकन, तकरीबन 1 पाव के जितनी, और ये छोटी छोटी सी इसकी बोटियाँ जो हैं वो कट हुई हुई थी। इसमें मैंने 2 टमाटर डाल दिए और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी और पानी डालकर इसको गलने के लिए रख दूँगी। अगर आपको बोटियाँ थोड़ी जैसे छोटी रखनी हो, तो आप जब ये चिकन गल जाए तो उस वक्त आपको इसको जो है थोड़ा सा चमचा लगा के और इसको ऐसे ऐसे देखें चमचे से इसको छोटा कर सकते हैं। ये अभी गली नहीं है, तो अभी मैं इसको पहले से ढक कर इसको पकाऊंगी ताकि ये गल जाए, और फिर इसको ऐसे चमचा लगा के ना छोटा छोटा सा कर लेंगे, ताकि ये स्पैगेटी में अच्छे से लग जाए, चिपक जाए, अलग अलग ना रहे। तो मेरा जो है मोबाइल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ख़राब हो गया था, जिस वजह से इतने दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। तो अब जैसे ही मेरा मोबाइल बनकर आया, मैंने कहा मैं जल्दी से आप लोगों के साथ कोई अच्छी सी रेसिपी शेयर करूं। बारिश भी थी, इस वजह से जाना नहीं हो रहा था, और मोबाइल जो है मेरा घर ही पड़ा था, सेट नहीं हो रहा था, माशाल्लाह से सेट हो गया। और ये देखिए, हॉट एंड सॉर सॉर वाली मैंने जो है बेक पार्लर की स्पैगेटी ली है, और इसके ऊपर इन्होंने लिखा हुआ था कि आप पहले ये मीट बॉल्स बनाएं और उसके बाद जो है फर्दर इसका जो है प्रोसेस वो करें। तो मैंने मीट बॉल नहीं बनाए, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल गैस का जो है बड़ा मसला था, और लाइट भी आ जा रही थी। आपको पता है कि कराची में बारिश हो तो लाइट और पानी तो दोनों ही तंग करना शुरू हो जाते हैं, गैस भी। तो फिर मैंने इसलिए शॉर्टकट में इसको बनाया, और मैंने जो है वो चिकन की बस बोटियाँ ले ली और उसमें मैंने ये सारा काम किया। ये देखें, ये इसके साथ जो है पैकेट भी मिलता है मसाले का, और इसमें मैंने अब ये जब गल गई तो थोड़ा सा मैंने आधी चम्मच के करीब, आधी टीस्पून के करीब ज़ीरा डाला है। और उसके बाद ये जो मसाले का पैकेट मैंने आपको दिखाया था स्पेगेटी के साथ ही मिला है, ये भी डाल दिया है। और ये डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा सारा पैकेट डाल देना है इसमें, और किसी भी मिर्च मसाले की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से इसमें सारा कुछ होता है, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट बनता है, बहुत मज़ेदार होता है ये। और हल्का सा मैंने इस टाइम में 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के डाले हैं। इससे ये होता है कि जब आपकी स्पैगेटी बनेगी तो वो बहुत ही जूसी सी, अच्छी सी लगेगी, यम्मी सी लगेगी, बिल्कुल ड्राई ड्राई सा नहीं होगा उसमें। थोड़ा सा ऑयल होने से ना बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, और चिकन जो है वो भी हमारी अच्छे से ऑयल में जो है वो फ्राई हो जाएगी। अब इसको अच्छे से हम जो है वो फ्राई कर लेंगे चिकन को मसाला डालने के बाद। और आप लोग भी बताइए, आप लोग किस किस शहर से हैं और कहाँ कहाँ से हैं आप लोग, और आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं, कैसा मौसम है, सर्दी है या नहीं? कराची में तो इस टाइम बहुत ही कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई है, हम लोगों के लिए इतनी सर्दी बहुत है। और ये देखिए, ये अब हो गई चिकन, और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी इसलिए डाला है ताकि जो भी मसाला था इसका वो स्पेगेटी पर लग जाए। भूनने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, ठीक है? पानी ऐसा है कि आधा कप डाला है, चाय वाला जो हमारा कप होता है ना, वो आधा कप थोड़ा सा बस। उसके बाद मैंने इसमें धनिया डाल दिया है, धनिया का भी बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है स्पैगेटी में। और धनिया डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी प्याज। प्याज आखिरी स्टेज, बिल्कुल इस स्टेज पे आपने डालने हैं, ताकि वो नरम ना हो, थोड़े से क्रंची से रहे, थोड़ा सा वो कच्चा पक्का सा उनका टेस्ट आए। ये प्याज डाले मैंने थोड़े से, ये भी ऐसे हैं कि एक छोटा साइज़ का प्याज है, उसको मैंने बारीक कट कर लिया था और वो डाल दिया है इसमें। अच्छा जी, तो ये अब प्याज डालने के बाद हम इसको दोबारा से जो है मिक्स कर लेंगे। धनिया, प्याज, हर चीज़ इसमें मिक्स हो गई, और देखिए इसमें हल्का हल्का सा पानी है बिल्कुल। तो इतना जब ये हो जाए तो इसमें हमने डालनी है स्पैगेटी, और उसको अच्छे से हम कर लेंगे मिक्स, जो कि हमने पहले से बॉईल करके रखी हुई थी। ये देखें,
ये अब डाल दी और देखें कितनी बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल चिपकी हुई नहीं है। और अब हम इसको जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले में, चिकन वाला मसाला जो हमने बनाया था, इस तरीके से ये सारी हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं आपको इसकी जो है फाइनल लुक दिखाती हूँ, इसकी शक्ल दिखाती हूँ कैसी बनी। ये देखें जी, ये हमारी तैयार हो गई। और ये स्पैगेटी देखें, थोड़ा सा स्पैगेटी का कलर जो है वो चेंज हुआ है, ब्राउन ब्राउन सा हुआ है, वो इसीलिए क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा जो मसाले को है थोड़ा सा हम इसमें पानी डाला था और इसको मिक्सअप किया और सारा जो फ्लेवर है निकल के वो स्पैगेटी पे आ गया। अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कि कैसे बनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मौसम को एंजॉय करिएगा और अपने बच्चों को गर्मा गर्म से बना के दीजिएगा। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी बताएं, क्योंकि मेरी रेसिपी काफ़ी शॉर्ट होती हैं और अमूमन लोग चाहते हैं कि बस शॉर्टकट में फटाफट से हम कुछ बना लें, ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी ना हो। गर्मियों में तो बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, सर्दियों में तो फिर कभी किचन में रहना इतना मुश्किल नहीं लगता, मगर फिर भी जो काम आसानी से और शॉर्ट तरीके से हो सका हो उसको हम शॉर्ट तरीके से करें, काम का इतना लंबा टाइम क्यों गुजारें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।